अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सीक्रेट्स क्या हैं वालमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वालमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में जितने भी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो वालमार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेजोन टू अमेजोन और उसके अलावा सैम्स क्लब टू अमेजोन बहुत कम लोग कर रहे हैं, और सैम्स क्लब ने भी काफी ज्यादा जो है आजकल अपडेट जो है जो अभी मेथड की है उसके थ्रू ना तो आप फ्री शिपिंग कर सकते हो, आपके ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा कैंसिल हो रहे हैं। और अमेजोन टू अमेजोन अगर आप करते हो तो आपका जो है वो बिजनेस प्राइम वो क्लोज हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, काफी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो है वो का तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा। इसमें मैं सारे सीक्रेट्स बताऊंगा आपको कि किस तरह से लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। जिसको देखना है लेक्चर वो तसल्ली से बैठ के देखे, कोई 1 से 1.5 घंटा स्पेयर कर ले, क्योंकि जो इसमें मैं आज सिखाने वाला हूँ वो मैं यानी कि इसे इस कोर्स को मैंने जो है अपने पेड कोर्स में अपडेट करना था, लेकिन काफी सारे दोस्तों ने कहा कि आप जो है इसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपकी जो सारी स्ट्रेटेजीज हैं वो हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। तो इस वजह से मैंने जो क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट रखा है, ताकि एक वो बंदा जिसको नया अकाउंट चलाना है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके, जिसको पुराना अकाउंट चलाना है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको 100 में से 90% गारंटी दे देता हूँ कि आप सीख जाओगे कि आपको ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, ठीक है। सीक्रेट्स मैं इस लेक्चर का नाम ही इसी वजह से मैंने दिया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जो लोग नए बैठे हुए हैं उन सबको मैं क्राइटेरिया समझाना चाहूंगा। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है वॉलमार्ट टू अमेजोन के लिए? जो नंबर वन आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन द बोथ साइड्स, अमेजोन पे भी अवेलेबल हो और वॉलमार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मेरे पास एक आइटम है, आपको अमेजोन के ऊपर आना है। यहाँ पर मैं एक आइटम है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली आइटम है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, मैं ना आज आपको 2 से 3 मेथड से हंटिंग करना सिखाऊंगा, एक विदाउट एक्सटेंशन और एक एक्सटेंशन के साथ। और उसके अलावा अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आपको किसी भी सप्लायर के लिए इसको सर्च करना है तो आपको उसका नाम आगे लिख देना है गूगल के ऊपर, आप उसको फाइंड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप जस्ट यूएसए में करना चाह रहे हो तो आपको वीपीएन लगाना जरूरी होगा, लेकिन वीपीएन 50-50 है यहाँ पे। पहले आप विदाउट वीपीएन हंटिंग करो, फिर आप वीपीएन लगा लो, ठीक है। अब ये जो एक आइटम है, ठीक है, इसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है। वॉलमार्ट के ऊपर इसको मैं सर्च करूंगा, ये मेरे पास एक वॉलमार्ट का अकाउंट है, इसके ऊपर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, वॉलमार्ट की जो है नो ऑर्डर कैंसिलेशन आईडी मैंने आपको बनाना सिखाई है, ठीक है। तो ये देखो, ये वही वाला आइटम यहाँ पर भी अवेलेबल है और ये वाला आइटम यहाँ पर भी अवेलेबल है। मुझे नहीं पता क्या प्राइस मिल रही है यहाँ पर, यहाँ पे 319 का बेच रहा है, और प्राइस डिफरेंस होना चाहिए दोनों साइडों पे। अब मैं नंबर वन जो लाइन है ना वो आपको समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये नए बच्चों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। अगर आप दरमियान में वीडियो स्किप करते हो तो उससे में भी कोई पॉइंट आपका मिस हो जाए, मैं आपको मना नहीं करता कि आप स्किप करो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो दोनों साइडों पे अवेलेबल है, यहाँ पे 300 का मिल रहा है, वहां पे 319 का मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से और भी मैंने आइटम्स यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं, वो हम स्लो स्लो करेंगे ओपन, लेकिन मैं आज बेसिक जो है मेरा वो ये रहेगा कि प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छा मिले, किस तरह से मिलेगा, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी, वो सारा अंडरस्टैंड करना। उसके बाद आप किसी भी क्लाइंट के लिए हंट करो या अपने लिए करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। अच्छा, उसके बाद टारगेट द न्यू सेलर्स ऑलवेज, ठीक है। क्या चीज है ये, मैं इधर से पॉइंट पकड़ता जाऊंगा, वहां से आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी मेहनत से मैंने क्राइटेरिया लिखा है, कोई बंदा ये क्राइटेरिया लिख के नहीं देगा आपको। अब ये देखो कि पहले तो आइटम दोनों साइडों पे अवेलेबल होना चाहिए था, अब मैंने लिखा हुआ है टारगेट द न्यू सेलर्स, मैंने अब क्राइटेरिया में क्या बताया हुआ है। अब ये देख रहे हो आप, शिप फ्रॉम, अब ये मर्करी गुड्स है, किसी स्टोर का नाम, ये स्टोर का नाम है, अकाउंट का नाम भी कह सकते हो आप इसको, सोल्ड बाय एंड शिप फ्रॉम। जब आपको ये दोनों जगह पे ये नाम शो हो रहा होता तो आप समझ लो ये एफपीएम सेलर है, ड्रॉप शिपर है ये। इसकी रेटिंग मैंने आपको बताया हुआ है क्राइटेरिया में 150 से कम हो, और इसकी जो रेटिंग है ये वाली 80% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ये फ्री डिलीवरी दे रहा हो, यहाँ पर काफी सारे लोग जो है $5, $10, $50, $50 तक चार्ज कर रहे होते हैं, ये चीज आप देख लेना, न्यूपी और ओल्ड लोगों को सबको मैं कह रहा हूँ। और आपका जो आइटम है ना ये, अब आज क्या डेट है, आज आप देख लो 24, और ये 2 अगस्त को शिप करेगा इस आइटम को, ठीक है। आपका जो है ये यहाँ पर तकरीबन आज 24 है तो 26 से
28 जुलाई तक होना चाहिए या 26 से 30 जुलाई तक यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आप हैंडलिंग टाइम इस तरह से डालो, वो कैसे डालना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट करना भी आपको सिखाऊंगा आइटम। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये देखो, ये नीचे वाला बंदा हो, इसने शिपिंग चार्ज कर रहा है, ये ऊपर वाला खरीदे रहा है, नीचे वाला शिपिंग चार्ज कर रहा है, और इसका स्टोर नया है। अब मैंने क्या कहा आपको, आपको नए सेलर्स को टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है इस चीज की तरफ हम लोग एक बार बाद में आते हैं। मैं आपको स्टार्ट में एक चीज बता दूं, अगर आपके पास नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, आपको स्टार्ट कैसे लेना है। अब मेरे पास देख लो आप, ये एक अकाउंट ओपन है, अब ये एक नया अकाउंट है, ठीक है, जीरो इसके ऊपर लिस्टिंग है और जीरो इसके ऊपर वर्किंग है। ठीक है, अच्छा आपको आना है यहाँ पर ये शिपिंग सेटिंग्स में, और ये सस्पेंड है। ठीक है, मैं हमेशा जो है सस्पेंड अकाउंट ही ओपन करके दिखा रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं हूं मैं कि अपना लाइव अकाउंट आपको दिखाऊं। ठीक है, और ये प्राइवेसी होती है अपनी और क्लाइंट की, अगर आप लाइव अकाउंट दिखा देते हो कोई भी यहाँ से ट्रैक कर सकता है। तो ये देखो शिपिंग सेटिंग्स, यहाँ पर मैं आऊंगा। सबसे पहले तो भाई मुझे अपना टेम्पलेट सेट करना है कि टेम्पलेट मेरा जो है वो क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता। जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें, अगर मेरा शिपिंग टेम्पलेट सही होगा तो मेरा जो शिपिंग टाइम है वो सही होगा, अगर नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर एड्रेस इसका इशू आ रहा है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। अच्छा काफी सारे लोगों का ना ये यहाँ पे एडिट नहीं हो पाएगा, अगर मैं एडिट टेम्पलेट में जाता हूँ ना, ये देखो तो ये एडिट नहीं हो पाएगा, इसकी क्या रीजन है, आपको यूएसए का एड्रेस देना होगा। ये देखो यहाँ पर ना ये डेज एडिट कर सकते हो, 2 to 4 days, 4 to 5 days आप कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा ना आपको यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स में दोबारा आकर ना शिपिंग एड्रेस आपको चेंज करना होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एडिशनली चीज मैंने इस लेक्चर में ऐड की है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे लोगों का ये इशू भी आ रहा था, ये जनरल शिपिंग सेटिंग है ना, यहाँ पे आप किसी भी यूएसए वाले क्लाइंट का या कोई भी आप यूएसए का अगर आप एड्रेस डाल देते हो ना, तो ये देखिए एड्रेस ये कनाडा का डाला हुआ मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको यूएसए कर देता हूँ तो ये फौरन ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँ। अच्छा तो अब मैंने जो है वो एड्रेस अगर आप दे दोगे तो वो आप एडिट कर सकोगे, लेकिन मैंने अभी इमरजेंसी दोबारा से अकाउंट को ओपन किया। ठीक है, अच्छा अभी आप देखो यहाँ पर मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, अपने नाम से रख सकता हूँ। ये शिपिंग टेम्पलेट पहले मैंने बनाना सिखाया है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट लेना है कैसे लेना है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे आपका जो शिपिंग टाइम है 3 to 5 days, फ्री इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड में जो आपका है वो 2 से 3 days होना चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, और ये पीओ बॉक्स के ऊपर चेक लगा होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है। बाकी उसके बाद एक्सपी डेटेड अगर आप ऑन रखना चाह रहे हो तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर आपने चार्ज नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को चार्ज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो मैं उसको चार्ज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि नए अकाउंट के ऊपर जब आप करते हो तो आपको हैवी सेल और बाय बॉक्स लेने के लिए एक्सपी डेटेड और स्टैंडर्ड को ऑन करना पड़ता है, बाकी 1 day और 2 day ये सारी आपको ऑफ रखनी पड़ती है, दोबारा से आप समझ लो। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं, इन सब स्टेट्स में मैं अपना आइटम जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ, जब मैं यानी कि ये सारे जितनी भी स्टेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है अमेजोन ने पुट कर रखी है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप डिलीवरी कैसे देना चाह रहे हो स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे मैंने 3 तरह की ऑन कर रखी है, स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली ऑन होती है, आप फ्री इकोनॉमी और एक्सपीरियटेड, अब आपकी मर्जी है ये आप ऑन रखना चाहो या आप इसको क्लोज कर दो, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप ऑन भी कर दो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कोई $5 से $10 अगले बंदे को चार्ज करो। अगर आपको बाय बॉक्स या इस तरह की कोई टेक्निक वगैरह लगानी है तो आप इसको ऑन रखो। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारा कुछ हो गया, अब इसको मैं यहाँ से कर दूंगा सेव। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा एक बार ना, ये इसका माइग्रेटेड टेम्पलेट नेम है, तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो अब मैं जो भी आइटम लगाऊंगा वो मैं साथ साथ लगाना भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। अब देखो मैं करने लगा हूँ स्टार्ट हंटिंग, साथ साथ मैंने आपको क्राइटेरिया भी समझाना शुरू कर दिया है। अब हमारा जो है मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा टारगेट द न्यू सेलर्स, ये ही एक वे है जिसको फॉलो करते हुए आप अपना जो है वो डिसीजन लेते हो कि कौन से वाले सेलर को उठाना है, किसके कितने आइटम्स हैं, सारा आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। जो सेलर्स हैं उनकी जो रेटिंग है वो 150 से less than होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 200। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है ना उसकी रेटिंग 200 से ज्यादा होनी चाहिए।
आप अगर देखो, मैं अब आपको ना प्राइस का डिफरेंस बताता हूँ। जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि 15 से 30 40 के दरमियान जिनकी प्राइस है, उनकी रेटिंग आप हाई फाई देखोगे 20,000 25,000, ठीक है। तो ऐसी आइटम्स के ऊपर आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, ऐसी आइटम्स के ऊपर आपको सेलर ज्यादा मिलेंगे, मतलब कि 45 50 60 के करीब करीब आपको सेलर मिलेंगे। इवन कि आपको 100+ भी सेलर्स मिलेंगे, उनके ऊपर कंपटीशन हैवी होता है और उनके ऊपर आप ज्यादा सेल भी उठा सकते हो। उनके ऊपर आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी ऑर्डर उठाओ, लेकिन एक बात बता दूं, उनके ऊपर प्रॉफिट आपको $3 से $4 से ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको लाइव अकाउंट के ऊपर भी दिखाता हूँ। आइटम शुड बी गुड इन सेल, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, प्राइस शुड बी मोर देन $40, ठीक है। अगर आपको $3+ प्रॉफिट मार्जिन गेन करना है ना, तो आपके आइटम की प्राइस $40+ होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपके सामने कोई 8 से 10 आइटम्स आपको दिखाऊंगा इस लेक्चर की एंड में, जब हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों ने मेरा जो है ना वो समझाने का तरीका, मैं टू टू दी पॉइंट बात करता हूँ और टू दी पॉइंट जो है करके दिखाता हूँ साथ में, ठीक है। कोई इधर उधर की थ्योरी एक्स्ट्रा बीच में नहीं डालता मैं। देयर शुड बी अ प्राइस डिफरेंस विद द अदर सेलर्स, क्या आप क्या कर रहे हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये एक आइटम है, देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये 319 का सेल कर रहा है, नीचे वाला 325 का, मतलब कि ऊपर वाले सेलर और नीचे वाले सेलर में प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो रेटिंग है वो मैंने कहा सेलर की 150 से लेस होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये रेटिंग देख लो, इस प्रोडक्ट की 200 से कम है, तो ये क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहा। हम ऐसे आइटम निकालेंगे जिनके ऊपर जो है ना अच्छा खासा आपको वो नजर आएगा, यानी कि रेटिंग अच्छी खासी नजर आएगी उनकी। अच्छा, उसके बाद जो है और कौन सा पॉइंट था, प्राइस इसकी 40 से अबव है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोडक्ट रिव्यूज शुड बी मोर देन 100, मतलब कि उस जिस सेलर को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसके रिव्यूज 100 से ज्यादा होने चाहिए उस सेलर के, और पॉजिटिव होने चाहिए। इसको अगर आप फॉलो नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम। मी टू सेलर शुड बी मोर देन 4, मतलब मी टू सेलर्स कौन से होते हैं, अगर मैं इस प्रोडक्ट के यहाँ पर चेक करूँ तो ये मुझे कह रहा है 13 ऑप्शंस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 13 सेलर्स बैठे हुए हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है 390 वाला बाय कर लो, आपकी मर्जी है 319 वाला बाय कर लो, ठीक है, जहां से आप बाय कर लो। अच्छा, ये मैं क्राइटेरिया समझा रहा हूँ, ऐसे कोई भी नहीं समझाएगा। यूट्यूब देख लो, आप गूगल देख लो, किसी भी गोरे काले की वीडियो देख लो, कोई भी ऐसे नहीं समझाता। मेरा मेथड सबसे डिफरेंट होता है। अच्छा, BSR, अब देखो यहाँ पर BSR क्या होता है, BSR होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। आपके आइटम का लेक्चर आपका लंबा हो सकता है, ये जो बंदा सुन लेगा तकरीबन, अब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल वालमार्ट से अमेजोन कर रहे हैं तो किसी का भला हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो बेस्ट सेलिंग रैंक क्या होता है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि BSR क्या होता है। बेस्ट सेलिंग रैंक होता है जितना कम होगा उतनी ज्यादा आपके आइटम की सेल आएगी, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 40K फॉर द $50 प्राइस आइटम, ठीक है। अच्छा, इस नीचे वाले लाइन का क्या मतलब है, 80K, अब जिस आइटम की प्राइस मोर देन $100 है उसका BSR 80K से लेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 50K से अबव हो और 80K से लेस हो। अभी मैं आपको इस आइटम का दिखाता हूँ, इसका BSR हमें कहाँ पे नजर आएगा। मैं अभी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करूंगा, उसमें आपको मैं इसका BSR दिखा दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग 3 मेथड से हम लोग हंटिंग करेंगे, मैनुअली हंटिंग करेंगे, एक्सटेंशन के साथ करेंगे, और साथ में सप्लायर का नाम लिख के हंटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख लो, प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4+ होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट टूटने वाला ना हो, ये ना हो कि बच्चों के खेलने वाली कोई आइटम आप लगा दो, या गेटेड आइटम आइटम लगा दो, ये कि आप नए सेलर जो होते हैं ना उनको कब सारी आइटम्स जो है ना वो गेटेड मिलती हैं, तो उनके लिए उनको ना कुछ सेलर्स को अच्छी रेटिंग चाहिए होती है अकाउंट के ऊपर। जब आप लोग अच्छी रेटिंग जो है वो ले लेते हो, तो आपके अकाउंट के ऊपर जो है काफी सारे आइटम्स जो पहले नहीं लग रहे होते हैं वो बाद में लगना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलर शुड बी हैप्पी एंड प्रॉफिट शुड बी मोर देन 8%, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है वो 8% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि $4 या $5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेरा जो क्राइटेरिया है, मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर, एक आप लाइन ऐड कर लो, द ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन 20, ROI 20 से ज्यादा होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपका 20% से ज्यादा हो। मतलब मैंने $100 इन्वेस्ट किया है, अगर उसके ऊपर मुझे 20% जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। तो
ये आपका 20% से ज्यादा होना चाहिए। हम 50 तक भी लेके जाते हैं, लोग 60 तक भी लेके जाते हैं लीगली। इलीगली आप कार्ड्स वगैरह बाय कर लो, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो इलीगल काम हो जाता है। लोग 200 250 300 तक भी लेके जाते हैं। वो चीज भी अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप लीगली कर सकते हो। इलीगल वे हर बंदे को पता है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, लेकिन जो इलीगल वे को जानते वो भी लीगल वे को फॉलो करता है, वही असल ड्रॉप शिपर कहलाता है और वही दुनिया में कामयाब होता है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, जो बंदा इलीगल वे को फॉलो करता रहता है उसके लिए आगे ठोकरी ठोकर बजती रहती है उसको, और वो सिर्फ इलीगल वे को ही देखता है। अब जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं ना, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से हर इलीगल वे को जानता हूँ, लेकिन मैं लीगल वे को फॉलो करता हूँ। कभी अप्स एंड डाउन आते हैं ना लाइफ में, तो अल्लाह पाक मुझे लीगल वे दिखाता है कि उसामा तुम अगर लीगल वे में पैसे कमाना चाहते हो तो तुम इस वे को फॉलो करो। जो बंदा इलीगल वे को ही हमेशा फॉलो करता है उसको जिंदगी में कभी भी लीगल वे नहीं नजर आता पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हाफिज़े कुरान हूँ और मुझे इस चीज का आइडिया है। अच्छा, तो उसके बाद जो है, अब ये क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको शीट का गो थ्रू करवा दूँ। ये शीट आपके पास होती है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, मेरे पास अमेजोन अकाउंट के ऊपर जब ऑर्डर आएगा उसकी मैं डेट यहाँ पे लिखूंगा, ऑर्डर नंबर मुझे अमेजोन देता है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बायर का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखूंगा, वेंडर का, वेंडर कौन सा है मेरे पास, वेंडर मेरे पास वॉलमार्ट है वो यहाँ पे लिखूंगा उसका नाम, क्वांटिटी कितनी है 1 है 2 है वो यहाँ पे लिखूंगा, अमेजोन पे सेलिंग प्राइस क्या है 45 का मैं सेल कर रहा हूँ एक आइटम, वॉलमार्ट पे वो कितनी प्राइस में बिक रहा है 39 का बिक रहा है वो यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, एक और बात, आज हम लोग सीख रहे हैं वॉलमार्ट टू अमेजोन। ठीक है, आइटम के ऊपर आपको जब आप बाय करते हो तो अगर तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है तो आपको $2 से $3 का प्रॉफिट वहां से निकल आता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपको 5% कैशबैक मिलता है वॉलमार्ट के ऊपर। ठीक है, जब आपकी टोटल अमाउंट अगर $100 है, $100 में से आपको 5% कैशबैक मिल रहा है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ ना तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बता देगा, $100 के ऊपर $5 का कैशबैक मिलेगा मुझे, जो कि मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बाइंग जो प्राइस होगी ना वो आपने लिखनी है, फिर आपको ये एग्जैक्ट बताएगा। ठीक है, तो 15% कैशबैक आपको मिलता है गिफ्ट कार्ड के ऊपर। आप वॉलमार्ट की वेबसाइट पे जाके गिफ्ट कार्ड निकालते हो, आपको वहां से गिफ्ट कार्ड जो है वो देता है 5% पे, 10% पे, 15% पे आपको ऑफ पे मिल जाते हैं, जो कि लीगल है। इनलीगली आपको 30%, 40%, 50% पे फेसबुक पे पोस्टें नजर आएंगी, भाई हमसे ऑर्डर प्रोसेस करवा लो। वो कार्ड्स कौन से होते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, या तो वो डार्क वेब से उठाए होते हैं कार्ड्स, उनमें बैलेंस होता है बेचारे लोगों का यूएस से। वो कार्ड्स जब आप लगाते हो उनकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी एक लड़के के साथ स्कैम हो गया, उसने मुझे बताया, उसामा भाई मैंने फलां लड़के से कार्ड ली है, वो मुल्तान का था और मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन उसने मुझे बताया, लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूँ। कॉल सेंटर्स के जो कार्ड हैं वो उन्होंने उठाए यूएसए के, ठीक है, उनमें लिमिटेड बैलेंस होता है, लिमिटेड बैलेंस होता है और उसकी गारंटी नहीं होती। 50,000 रुपया दे के 10-15 कार्ड्स की फाइल मिलती है, वो आप लगाते हो और आप परसेंटेज के ऊपर जो है ऑर्डर आप प्लेस करते हो। ठीक है, तो उन कार्ड्स की गारंटी नहीं होती। आप 100 ऑर्डर आया, 100 में से मे भी 50 प्रोसेस हों या 100 के 100 प्रोसेस हों, ठीक है, तो वो जो इलीगल काम है वो उसकी कोई बख्शिश नहीं है आखिरत में। ठीक है, तो आपको लीगल वे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने वॉलमार्ट के ऊपर जो वो खुद सर्विस दे रहे हैं, सेल के ऊपर आपको ऑफ दे रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। 15% आपको गिफ्ट कार्ड के ऊपर देता है वॉलमार्ट और 5% आपको कैश क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा हंटिंग। ये थी सारी टेक्निक्स कोई 15-20 मिनट की, जो कि बेसिक बातें थी। अब आ जाओ हम लोग हंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने ये बनाया सारा कुछ टेम्पलेट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हंटिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे लगेंगे 20 से 25 मिनट। ठीक है, मुझे जो बातें हैं वो प्रोडक्ट की नौइयत को देखते हुए मेरे जहन में आती हैं। ठीक है, अब ये देखो मैं यहाँ से उन सेलर्स को टारगेट करूंगा जिनकी रेटिंग या तो जस्ट लॉन्च होगी या जिनकी रेटिंग 20 से 30 या 40 की होगी। तो आप उनके जब प्रोडक्ट्स आप लगाओगे, उन्होंने मेहनत कर करके जो है ऑलरेडी, वो भी ऐसी हंटिंग करते हैं, उन्होंने जो आइटम्स उठाए होंगे, जब वो आइटम आप लगाओगे तो आपको अप्लाई टू सेल का और नॉट अवेलेबल का इश्यू 100 में से 30% नहीं मिलता। ठीक है, ये मेरा अपना तजर्बा है। अब देखो मैं ये वाला सेलर है, इसको मैं अलग से ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ओपन हो रहा है ये वाला सेलर। अब मैं एक और सेलर उठा लूंगा जिसकी रेटिंग लेस देन 150 हो, ये वाला भी उठा लेता हूँ मैं।
अब मैं क्या करूंगा, इनके आइटम्स जो हैं वो वन बाय वन सर्च करूंगा, मैंने फाइंड करने हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। बस वालमार्ट के ऊपर मुझे आइटम चाहिए कम प्राइस में और अमेजोन के ऊपर चाहिए मुझे ज्यादा प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, ए किधर गया, सी ऑल प्रोडक्ट्स का आपको ऑप्शन नजर आता है, आई थिंक इसने हाइड कर रखी है, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ठीक है, सी ऑल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे आपको उस स्टोर की पूरी लिस्टिंग नजर आएगी। एक आप गलती करोगे यहाँ पर, वो गलती भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो विजिबल प्राइस है ना 82 है, वो अकेले इस सेलर की प्राइस है, ना कि ये टोटली जो इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब मुझे नहीं पता ये जो प्राइस है ये, अच्छा अब ये जो प्राइस आपको नजर आ रही है ना, ये अभी यानी कि राइट जो टाइम है इस वक्त की नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है ड्रॉप शिपर की जो प्राइस है। मेरे से एक क्लाइंट ने क्वेश्चन किया था इंटरव्यू में, उसने मुझे कहा कि कैसे जो है तुम मुझे श्योरिटी दे सकते हो, कैसे तुम मुझे श्योरिटी दे सकते हो कि जो प्राइस तुमने लगाई है वो यानी कि 100% वैसी की वैसी रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं जो है ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि जो प्राइस मैंने लगाई है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उसने मुझे इस बेस पे हायर किया था। अब इसका आंसर आप सुन लो, हर 5 से 10 मिनट के बाद कंपटीशन होता है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। अभी 82 है तो इसकी 81 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, फिर 80 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, कंपटीशन होता रहेगा। कंपटीशन करना भी बताता हूँ आपको। अभी मैं ये वाली आइटम उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको ओपन कर लिया और इसको भी ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा मैंने 2 आइटम्स ओपन किए हैं, अब इनको मैं मैन्युअली कैसे जो है ना वो सर्च करूंगा, ठीक है। अब देख लो इसकी रेटिंग, आप देख लो ए 10,000 के करीब है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा इस तरह से, पूरा इसका टाइटल कॉपी करूंगा, मेरे पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन मैं सारी बताऊंगा आपको जो मैं यूज करता हूँ क्विक वर्क के लिए, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर जो है राइट क्लिक किया, उसके बाद ये मुझे यहाँ पर देखना है कि ये वालमार्ट पे अवेलेबल है या नहीं। ये आ गया वालमार्ट का ऑप्शन, ठीक है, ये रहा ये, और ये टाइटल आप पढ़ लो, ये अमरजन सी, टाइटल को 3 बार आपने रीड करना है, ठीक है। ये पिक्चर आप देख लो, 100,000 mg की है ये आइटम, ठीक है। और उसके बाद अभी भी थोड़े से टफ आइटम्स में मुझे नहीं पता कैसे आइटम्स निकलेंगे, लेकिन मैं एंड में आपको इजी और अच्छे वाले आइटम लाजमी दिखाऊंगा जिनके ऊपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा। और ये मैं अपने स्टोर से निकाल के आपको दिखाऊंगा, स्टोर नेम नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा फ्लेवर 30 काउंट है और 1 मंथ सप्लाई है, ठीक है, और 1,000 mg का है। अब देख लो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये मैनुअली मैंने सर्च किया है। अगर ये मुझे वालमार्ट पे नजर नहीं आता तो मैं इसके टाइटल के आगे लिख दूंगा वालमार्ट, यहाँ पे एंड में, ठीक है। अगर ये वालमार्ट के ऊपर पड़ा हुआ तो मुझे नजर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये वही वाली चीज है, ये एक मिनट मैं रीड कर लूँ, ये 30 काउंट है और ये है 50 काउंट, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल रहा है 19 का और यहाँ पर कितने का सेल हो रहा है, 24 का, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 30 काउंट का भी यहाँ पे पड़ा ही होगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ये ऊपर वाला जो है, एक मिनट। बाज दफा पता क्या होता है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ये 10 काउंट वाला मिल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर ना आपको जैसे अमेजोन के ऊपर वेरिएशन नजर आती है ना किसी भी आइटम की। अब देखो यहाँ पर 2-3 कलर इसके अवेलेबल होंगे, यहाँ पर यह क्वांटिटी, यहाँ पे ये 30 की क्वांटिटी में दे रहा है, एक इसका 50 काउंट वाला होगा, एक 70 काउंट वाला होगा। इसी तरह से लिस्टिंग बनी होती है वालमार्ट के ऊपर, इस तरह से यहाँ पर आपको नजर आएगा, 2 से 3 डब्बे से बने होंगे बॉक्स, वहां पर आपको 1,000 वाला भी नजर आएगा, सॉरी 10 वाला भी नजर आएगा, 50 वाला भी नजर आएगा, 70 वाला भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो फाइंड करूँ, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, अब करना आपने खुद है। यहाँ पर आप एक मिस्टेक करोगे, आप आइटम को एड टू कार्ट करके ये नहीं चेक करोगे कि आइटम शिपिंग इसकी अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। और मेरी बात सुनो, जब आपने आइटम को लिस्ट करना है, ये देख रहे हो आप, ये मुझे कह रहे हैं कि 9 अगस्त को मैं ये पहुंचाऊंगा, ये बात वो बात है कि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इस बात को बताने के एक बंदे से $1,000 चार्ज किया है। वो कह रहा था कि मैं हैंडलिंग टाइम कैसे डालूंगा, हैंडलिंग टाइम किसी भी आइटम का, ये मेरा क्लाइंट मेरे से पूछता है, मैं गौरों से सीख लूं, मेरा कोई पाकिस्तान में इस तरह का उस्ताद नहीं है जो मुझे सिखाए, मेरे उस्ताद जो है वो मैं खुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करता हूँ इंटरनेट पे, इंटरनेट मेरा उस्ताद है, और मैं जो है अपने जो मेरे सीनियर्स हैं गोरे,
जिनसे मैं सीखता हूँ, ठीक है, उनसे मैं अक्सर पूछता होता हूँ और वो मुझे मेरी मिस्टेक्स बताते हैं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, फ्रीड शिपिंग, वो कह रहा है कि हम इसको जो शिप करेंगे, जैसे भी वो शिप करेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 9 अगस्त को। अब जब मैं इसको लिस्ट करूंगा अमेजोन के ऊपर, तो ये तो मुझे 9 अगस्त की दे रहा है, आज क्या 24 जुलाई है, तो 15 दिन ये प्रोडक्ट लेट पहुंचेगा। अब यहाँ पर जब मैं हैंडलिंग टाइम 2 दिन का डालूंगा, तो वहां पर मुझे ये प्रोडक्ट आने वाले 6 से 7 दिन में शिप करना होगा। जब ये आने वाले 6 से 7 दिन में शिप नहीं होगा, कस्टमर तो मुझे मैसेज करेगा, कस्टमर कहेगा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, मुझे रिफंड करो, तो वो मुझे लॉस होने का चांस है। आप कस्टमर सपोर्ट से बच सकते हो, कस्टमर के मैसेजेस जो आपको तंग करते हैं वहां से आप बच सकते हो, अगर आप एग्जैक्ट इस डेट को देखते हुए अपना हैंडलिंग टाइम डालो। आज 24 है, ये 9 को वहां पहुंचेगा, तो इसका हैंडलिंग टाइम मैं कम से कम अगर लगाऊं 8 लगाऊंगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा लगाऊं तो 10 दिन का लगाऊं, ठीक है। ये सीन है कस्टमर सपोर्ट, अगर मिसाल के तौर पे इस आइटम के ऊपर मुझे आ जाती है, ठीक है, मैं हैंडलिंग टाइम इसका 4 दिन लगा देता हूँ, तो मैं उसको इस तरह से टैकल करूंगा, मैं उसको मैसेज करूंगा कि आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको आइटम मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं वो मानता, 24 घंटे या 48 घंटे वो वेट कर लेता है, फिर मैं उसको बोलूंगा कि हम सिस्टमेटिक या किसी वेदर की वजह से हम किसी ऐसे एरर में फंस गए, जिस वजह से आइटम आपको नहीं मिल रहा, अगर आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको नहीं मिलता आइटम, तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। उसको टैकल करना आपको आना चाहिए कस्टमर को, ठीक है। अच्छा अभी तो मैंने पहला आइटम निकाला और इतनी मैंने डिटेल आपको बता दी है, ठीक है, जो कि कोई भी नहीं बताएगा, ये हर एक पॉइंट पे ये मेरा डायलॉग है, आप इसको माइंड में रख लो। अच्छा तो ये जो है 10 काउंट्स का भी मिल गया, और मुझे पता है 30 काउंट का भी पड़ा होगा, ये आपने निकालना है, और प्रॉफिट अब 30 30 काउंट वाले के ऊपर मुझे, अगर मैं इसकी प्राइस एक और एक दो आइटम और निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं जो है वो क्लोज कर दूंगा, ज्यादा टैब्स में अगर ओपन करूंगा तो वो इसके ऊपर आप आ जाओ। अभी ये मैं मैनुअली हंटिंग कर रहा हूँ विदाउट एक्सटेंशन, ठीक है, हम इस तरह से कोई एक दो आइटम्स निकालेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सटेंशन की तरफ चलेंगे। मैंने कहा था टाइम लग जाएगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। इसको मैंने वालमार्ट पे फाइंड करना है इस आइटम को, ठीक है, ये वालमार्ट लिखा हुआ आ गया। अब सबसे पहले तो इसका मैं टाइटल रीड करूंगा, ब्लैक कलर में और 127 का बिक रहा है ये है सिंगल सर्व कप, सिंगल सर्व कप, इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये वालमार्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। ये लो जी, ये यहाँ पे बिक रहा है 127 का, और यहाँ पे मिल रहा है 50 का। अच्छी तरह कंफर्म कर लूँ मैं इसको, ये देखो ये इस तरह से वेरिएशन कह रहा था मैं, ठीक है, इस तरह से वेरिएशन बनी हुई आ जाएगी। अब पिक्चर को आप देख लो अच्छी तरह से, ये यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाइट कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, एक चेंज जो कि नहीं मिल रहा। बाकी इसकी जो है आप वो डिटेल्स आप पढ़ लो, थोड़ा सा टफ होता है कंफर्म करने में, आपको टाइम लगता है। ये है कैपेसिटी जो है इसकी 42 फ्लूइड औंसेस है ये, और इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसकी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे दी होंगी, ये आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा एक आइटम हमें मिल गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 50 का मिल रहा है और यहाँ पे 127 पे सीधा सीधा बिक रहा है, ठीक है, इसको आपने देख लिया, इसके ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब ये वाला ओपन कर लेता हूँ मैं, अच्छा इसके ऊपर जो है ये 21 का सेल कर रहा है ये वाला बंदा, ठीक है। अब एग्जैक्ट प्राइस मैं इसकी अगर फाइंड करूं, ठीक है, पिछले दो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए उसमें मैंने एक दो बातें मिस की, इसमें मैं कवर करूंगा। आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, 28 FPM सेलर इसको सेल कर रहे हैं, अगर 28 नहीं होंगे तो 24 से 25 FPM सेलर होंगे, और इसकी यहाँ पे 21 की प्राइस लगी हुई है ना, एग्जैक्ट प्राइस मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने कौन से वाली प्राइस लगानी है लिस्ट के ऊपर, ठीक है, मुझे यहाँ पे पता चलेगा। ये बंदा बैठा हुआ है न्यू पता नहीं क्या नाम है, न्यू सोल के नाम से, ठीक है, ये 14.24 का सेल कर रहा है और ये 14.65 का सेल कर रहा है। देखो कंपटीशन कितना है, सेंट्स में एक एक सेंट गिराते हैं और कंपटीशन करते हैं सेल लेने के लिए। इसके ऊपर 28 सेलर बैठे हैं, इसका मतलब अगर आप इसको लगाते हो तो आपका बाय बॉक्स यस हो सकता है। सारे सीक्रेट्स मैं बता रहा हूँ वॉलमार्ट टू अमेजोन के, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, रिसर्च कर लेते हो, थोड़ा सा काम कर लेते हो, तो आप मेरी तरह तो एक्सपर्ट बन ही सकते हो, मैं भी मेरे से थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च करके आप मेरे से भी एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है।
अब ये देखो टॉप के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है 14.24 का सेल कर रहा है। मुझे ये फाइंड करना है ये वालमार्ट के ऊपर कितने का मिल रहा है। इसको आप देख लो 6 ऑज़ वाइट कलर का, ठीक है, ये लो जितने भी आइटम मैंने अब तक दिखाए वो वालमार्ट के ऊपर अवेलेबल थे, ठीक है, 6 ऑज़, ये लो ये वालमार्ट के ऊपर मैंने निकाल लिया इसको, ये यहाँ पे 20 का बिक रहा है और आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अब एक और आपको बात बताऊं, आपने जब भी ऑर्डर लगाना है आपने ये लाजमी चेक कर लेना कि ये शिप हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने जानबूझ के ये बात छोड़ी है, जो लोग छोड़ के चले गए हैं ना उनको नहीं पता होगा कि ऑर्डर कैसे लगाना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि आइटम इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आइटम जो हमने लगाया उसकी शिपिंग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, ठीक है। मेरा लेक्चर देने का अंदाज ही ऐसा है कि मैं अगले बंदे को पकड़ के रखता हूँ कि वो पूरा लेक्चर देखे। अब देखो मैं यहाँ से इस बंदे के स्टोर की छानबीन करूंगा, एक स्टोर मैंने देख लिया, मुझे जो है पहले 2 से 3 आइटम मैंने देखे, मुझे उनमें 2 में प्रॉफिट नजर आया और एग्जैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत मुझे डाउट था, ठीक है। अब इसकी जो रेटिंग है वो है 101 की, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और नीचे वाला जो है A&A वर्ड इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसको हम कहते हैं सेलर स्नैपिंग मेथड, पीछे वाले दोनों जो है इनको मैं ऑफ कर दूंगा, ज्यादा टैब ओपन करूँ तो वो ना कन्फ्यूजन सी हो जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पर आओ आप सी ऑल प्रोडक्ट्स, जिसका सी ऑल प्रोडक्ट्स नजर नहीं आता समझो उसने फार्मूला लगाया हुआ मेरे वाला, आप मेरे आइटम नहीं चुरा सकते। अच्छा इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से ना आपने अनलिमिटेड जो है वो ओपन कर लेने हैं टैब्स, कोई 10-12 टैब्स ओपन कर लेने हैं आपने, और आपने फाइंड करना है वॉलमार्ट के ऊपर। ये मैनुअल हंटिंग आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं मिलता तो आपने पूरे टाइटल के ऊपर आगे लिखना है वॉलमार्ट, गूगल के ऊपर अमेजोन पे नहीं, ये वाला अवेलेबल है ही नहीं। अच्छा जो ग्रोसरीज की आइटम्स होती है ना वो ज्यादातर, अब मैं अपनी जो कैटेगरी है वो आपको बता देता हूँ, मैं आइटम हमेशा सेल करता हूँ पेट सप्लाईज में, ग्रोसरी के आइटम, होम अप्लाइंसेस के, फर्नीचर के, मैं अपनी आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ, अब आगे सब कैटेगरीज आपने खुद फाइंड करनी। अब इसके ऊपर कोई भी सेलर नहीं है तो ये प्रोडक्ट जो है ये फारिक लगाई हुई, जैसे कोशिश की मैं आइटम आपको फाइंड करके दिखाऊँ मैनुअली, क्योंकि मैनुअली जब आप फाइंड करते हो तो आपको यानी कि वो कहते हैं ना काम करने का सलीका आता है वो आप सीख जाते हो। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये वालमार्ट पे अवेलेबल है, अब मैं आगे वालमार्ट लिखूंगा, ये है एक जो है वो जामनी कलर के है, पिंक सॉरी, और एक जो है सब्स कलर के है, ये जामनी कलर के मुझे यहां से मिल गया है। थोड़ी सी टफ होती है हंटिंग करना लेकिन इजी मेथड अभी बताता हूँ मैं आपको, ये 16 16.5 का सेल कर रहा है यहाँ पे और ये 32 का बिक रहा है यहाँ पे, ठीक है, 32 का ये सेल कर रहा है ये वाला सेलर, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 16 और 16 का 1 मिल रहा है, 16 के साथ मैं दूसरा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 2 काउंट है मतलब कि पैक ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ तो टोटल प्राइस 32 के करीब फ्री भी चली जाती है, तो मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता। मैं यहाँ से देख लेता हूँ एग्जैक्ट प्राइस मुझे क्या मिलेगी, अभी मैं एक्सटेंशन लगाऊंगा आपके सामने और मैं तकरीबन 5 मिनट में 3 से 4 आइटम हंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैनुअली हंटिंग से मुझे आइटम नहीं मिल रहा, जितनी मैं जाके सेलर स्नैपिंग करूंगा उतना ही मेरा फायदा होगा। मैं यहाँ से ये वाला सेलर देख लेता हूँ, थोड़ी माजत के साथ मेरा थोड़ा सा अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, अच्छा मैं एक्सटेंशन के नाम बता रहा हूँ आपको, एक का नाम है डीएस क्विक व्यू, एक का नाम है ग्रैपले, ठीक है। जब आप इन 2 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ ये 59 सेलर्स बैठे हुए हैं, मैंने आपको दिखाया था क्राइटेरिया जो है कि 60 से 70 के करीब भी बैठे होते हैं, अब ये 68 का सेल कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये आइटम जो है मुझे मिल गया है वालमार्ट के ऊपर। कलर ओक फूल और 5 पाउंड कलोरियन की है, ठीक है, ये देखो वही चीज है, यहाँ पे ये दे रहा है 68 की और यहाँ पर बिक रही है 44 की, ठीक है। ये देखो एक्स ब्लू, थोड़ा सा टाइटल डिफरेंट होगा लेकिन पिक्चर मैच कर गई है, बाकी सारा कुछ मैच है तकरीबन, 5 पाउंड है यहाँ पे, यहाँ पर भी
यहाँ पर भी 5 पाउंड किया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आइटम मैंने पहले ही देख के आपको बता दिया है कि ये कितने का मिल रहा है। अब यहाँ पे ये बंदा कितने का सेल कर रहा है, 68 का सेल कर रहा है, पीछे से मुझे कितने का मिल रहा है मैं यहाँ पर राइट करूंगा। अमेजोन की सेलिंग प्राइस कितनी मैं लगाऊंगा, मैं इसके लगाऊंगा 68 पॉइंट। अब देखो अगर उसने 68.99 की लगाई हुई है तो मैं 68.98 की लगाऊंगा, 68.98 लगाऊंगा सेलिंग, और मुझे वहां से कितने का मिल रहा है 44 का, मैं इसको 45 कर देता हूँ। और ये देखो मेरा कितना प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, मेरा प्रॉफिट सीधा सीधा बन रहा है 13.63 का। और अगर मैं इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड से बाय करता हूँ तो 2.25 का मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये तकरीबन 16 के करीब जाएगा। और अगर मैंने इसके ऊपर वो गिफ्ट कार्ड लगाया जिसके ऊपर 10% ऑफ है तो मुझे 4.5 या 4 डॉलर का प्रॉफिट होगा। अगर मैंने ऐसा कार्ड लगाया जिसके ऊपर 5% मिल रहा है तो यही आप जो यहाँ पे प्राइस है इसको आप प्रॉफिट में ऐड कर दो, ठीक है। आपका वो टोटल प्रॉफिट यानी कि जो 15 से 16 या 17 डॉलर्स के करीब आपका प्रॉफिट है। अगर आपको टैक्स पड़ रहा है ऐसी आइटम्स के ऊपर, आपको टैक्स $3 से ज्यादा का नहीं पड़ता, ठीक है। टैक्स अगर आप एग्जेम्प्ट कर लेते हो, अब मैं अगर आपको दिखाऊं ये इसके ऊपर मुझे अगर प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है कैशबैक जो 5% है उसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 16 से 17 के करीब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं टैक्स यानी कि एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे 16 से 17 का पड़ रहा है। अगर मुझे टैक्स पड़ रहा है तो ये आप 3 से 4 डॉलर मिनिमाइज कर दो, तकरीबन 10 से ऊपर का मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और इसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। इसके ऊपर 30% मुझे ROI मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके आइटम के ऊपर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका 20+ होना चाहिए। तो ये पहला जो आइटम मैंने मैन्युअली हंटिंग की है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं करने जा रहा हूँ एक्सटेंशंस के साथ, ठीक है। मेरा जो टारगेट था, मेरी कोशिश यही थी कि ऐसा आइटम निकालूं जो कि मैन्युअली आपको मिल जाए। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने लगा हूँ जो कि आपको देखनी है। एक्सटेंशन का नाम है पहले DS Quick View और ये फ्री है। अभी एक दो चीजें रहती हैं जो कि मैंने नहीं बताई, लेक्चर के साथ साथ बताता हूं मैं। और मैं जो एक्सट्रीम लेवल का एडवांस लेवल का कोर्स होता है मेरा जो, वो मैं अपने पेड कोर्स में बताता हूं जो कि आपको 10K से 15K तक मिलेगा। बस एक दो दिन में जो है आपको उसमें नई चीजें देखने को मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह उसमें ऑनलाइन आर्बिट है वो कोर्स, मैं उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिन्होंने पहले ले लिया उनको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, 10K का आपको मिल जाएगा। मेरा जो पेड कोर्स है मैं काफी सारी वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ, ठीक है। एक ये एक्सटेंशन है, एक है ग्रैपले, ठीक है। वो डायरेक्ट मुझे बता देती है कि ये वॉलमार्ट के ऊपर अवेलेबल है। मेरा यानी कि जो कोर्स है, जो चीज मुझे आती है ना मैं अपने पेड कोर्स में अपडेट कर देता हूँ। 4 पैसे मैंने भी कमाने हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मैं कंप्लीट कोर्स नहीं है ड्रॉप शिपिंग का, कंप्लीट कोर्स ड्रॉप शिपिंग का आपका दूंगा कि क्या क्या मैंने लास्ट डेज में चेंजिंग की है कोर्स में और क्या क्या नया है। ऐड टू क्रोम कर देता हूँ इसको मैं, और ये ऐड हो गया। अब देखो ये एक्सटेंशन प्रॉपर वर्क करेगी। अब जो मैंने सेलर ओपन किया हुआ है इसका BSR कितना है, इसके ऊपर FBM सेलर्स कितने हैं, इसका जो अभी ट्रेंड है वो क्या है, सारा कुछ ही मुझे बताएगा, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखो एक्सटेंशन रन होने लग पड़ी है, रेटिंग भी मुझे यहीं पे पता चल चुकी है, और इसका बी ये जो है अपना SN नंबर ये भी मुझे यहाँ पे बता दिया। अगर मैंने लिस्ट करना है यहाँ से कॉपी करूंगा, अगर मुझे चेक करना है कि दूसरे सेलर कितनी प्राइस पे सेल कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे इसने बता दी है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर तो प्रॉफिट नजर आ गया जो कि मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग अब इसका जो BSR है वो 69 है, बहुत जबरदस्त सेल इसके ऊपर आ सकती है। अगर आपको चेक करना है कि कितने आइटम इसके ऊपर सेल हो रहे हैं, आपको कैटेगरी यहाँ पे बता रहा है वो पेशो एनलॉन में है, ठीक है। आपको जाना है FBA टूल किट में, ये एक टूल है जिसमें आप जाके सेल चेक कर सकते हो कि इस आइटम की कितनी सेल है, ठीक है। BSR आपको लिखना है, वो खुद ही बता देगा कितने आइटम सेल हो रहे हैं। यहाँ पे पेशो एनलॉन में जाना है मुझे कैटेगरी में, यारी अब 69 था उसका, ये लो एंटर किया मैंने और वो मुझे बता रहा है कि इसके मोर देन 106 आइटम एक दिन में सेल होते हैं, ठीक है। और 45 लास्ट डे इसकी जो सेल थी एक दिन के, लास्ट 24 आवर में एक दिन के 45 आइटम इसके सेल हुए।
आप एवरेज लगा लो 106 की, तो अगर आप 90 भी इसके ऊपर देखते हो कि इसके ऊपर सेल अच्छी आ रही है, तो आप इसको लगा सकते हो, $10-12 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको जो है इसी सेलर की जो है और आइटम्स की हम लोग छानबीन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, ये आइटम है ये वॉलमार्ट के ऊपर अवेलेबल है, ये इतनी कम प्राइस वाला मैं नहीं देखता, सॉरी ये 35 में मिल रहा है, इसको मैं यहीं से सर्च करूंगा वॉलमार्ट के ऊपर, 35 का ये सेल कर रहा है, मैं देखता हूँ वॉलमार्ट के ऊपर कितने का बिक रहा है। पिक्चर को आप देख लो, ये कोई बच्चों के खिलौने वगैरह है और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, यही कोई 12 से 15 डॉलर की प्राइस के अंदर अंदर आपको मिल रहा है ये। ये रहा 22 डॉलर का, ठीक है 22 का मिल रहा है यहाँ पे, और ये 35 का सेल कर रहा है, निकल आया पहले एक क्लिक में। अब मैं इसको सर्च करता हूँ शीट में कि कितने का, अगर मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 34, 34 का अगर मैं सेल करता हूँ, मुझे वहां से मिल रहा है 23 का प्रॉफिट। देख लो आपको 5 डॉलर का, 5 से 6 डॉलर का प्रॉफिट मिल रहा है इसके ऊपर, मैंने एक्सटेंशन लगाई है और मुझे पता चल गया। अब मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस अब क्या लगाऊंगा, वो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सोल्ड बाय अमेजोन के ऊपर, ये यहाँ पे न्यू जो सेलर सेल कर रहा है इसको कितने का सेल कर रहा है, FBM सेलर इसको 30 का सेल कर रहा है, ये होलसेलर है, इसको छोड़ दो आप। ये देखो ये बंदा बैठा हुआ है FBM सेलर, ठीक है आपने इसके प्राइस को देखते हुए इसको लगाना है, 29.95 का सेल कर रहा है। अब मैं देखता हूँ अगर मैं 29.95 का सेल करता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट आता है इसके ऊपर, 29.94 के लगाऊंगा मैं, मुझे इसके ऊपर $2 का प्रॉफिट है, 2 से 2.5 डॉलर का। अगर मैं कैशबैक को ऐड कर दूं, क्रेडिट कार्ड से हर बंदा बाय करता है, तो अगर आप ये वाला इसमें ऐड कर देते हो सीधा सीधा $3.5 का प्रॉफिट आपको नजर आता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जब आप लगा देते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ता है 5% कैशबैक के लिए, ये वॉलमार्ट के ऊपर अभी आपको दिखाता हूँ। एक आइटम मैंने निकाला, आज वो 3-4 आइटम्स और निकालते हैं, हम लोग। इसको मैं यहां से कर दूंगा एंड। अब ये वाला आइटम जो है इसको भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चलो ट्राई करते हैं इसके ऊपर। FPM 5 है, FPA सेलर कम होने चाहिए ये आप माइंड में रखो। FPA अब ये वाला जो है इसमें FPA 3 है, कुछ नहीं होता, इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्राइस कम है। अच्छा इसके ऊपर भी FPA ज्यादा सेलर है, FPA जिसके ऊपर ज्यादा हो छोड़ दो उसको, FPA इसके ऊपर 3+ है, तो ये भी $10 का है। मैं 20 से कम वाली जो प्राइस होती है उसको नहीं देखता मैं। अच्छा ये देख लेते हैं ये कितने में बिक रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हुए 14 सेलर्स, ठीक है 11.90 का सेल कर रहा है ये एक बंदा, और नीचे वाला जो है उससे ये 20 20 का सेल कर रहा है। अभी देख लेते हैं वॉलमार्ट पे कितने का अवेलेबल है, ये सुपरमैन बना, आई थिंक इसके ऊपर यस, ये है आउट ऑफ स्टॉक है ये आइटम, ठीक है ये वाला आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, ये वाला मेरे ख्याल है 23.98, प्रॉफिट नहीं है। अच्छा अब देखो ये वाले सेलर की तो मैंने जो छानबीन करनी थी वो सारी कर ली, इसके ऊपर तो BSR अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर जो सेलर है वो ज्यादातर FBA के नजर आ रहे हैं। अब देखो इस आइटम से मैं गेम चेंज करूंगा, अभी इस आइटम से ये वॉलमार्ट ये यहाँ पे बिक रहा है 35 का, 34 का लगा लो आप, वॉलमार्ट पे कितने का बिक रहा है, इसका टाइटल देख लो पिक्चर देख लो, ऐसी जो आइटम होती है ना यूनिक जिनके ऊपर एक ही पिक्चर बनी हुई है, ना पैक ऑफ टू है ना पैक ऑफ थ्री है, इजीली ये आपको अवेलेबल होती है, और इनके ऊपर कोई ज्यादा वो बार बार तस्वीर को देखने का जो ना आपको बार बार कंफर्म करने का थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज भी नहीं होता, ऐसी आइटम्स आप देखो यूनिक सी। अब देखो यहाँ पे 28 का बिक रहा है ये, 70 काउंट का, यहाँ पर भी 70 काउंट का मिल रहा है, ठीक है ये देखो 70, इसमें भी 70 नजर आ रहा है आपको, ठीक है ये 28 का मिल रहा है, 28.5 का, अभी ये 35 का सेल कर रहा है बंदा, इसको देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है इसके ऊपर राइट नाउ। ठीक है अगर इस आइटम को आप लगाते हो सुबह के 5 बजे या 6 बजे, तो इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है क्योंकि उस टाइम जो है ये पाकिस्तानी और इधर उधर के जो ड्रॉप शिपर होते हैं ना उनके एंड करने का टाइम होता है, और आप उस टाइम अपने प्रोडक्ट्स लगाओ। मैं आपको बताऊं मैं हंटिंग करता हूँ रात के टाइम, जिनके ऊपर मुझे यानी कि $3+ का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा होता है, और मैं लगाता हूँ सुबह के टाइम, ठीक है सुबह से लेकर शाम तक जो मुझे सेल आ जाती है ना उसके ऊपर मुझे $5+ का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। ठीक है मेरी ज्यादातर जो अपनी
जो एक्टिविटी है वो ये है, रात के टाइम हम लोग करते हैं कंपटीशन, दिन के टाइम हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। और जो सोने का टाइम मिल जाता है 4-5 घंटे बस उस हो जाते हैं। एनीवेज इस सेलर को हमने देख लिया और मैं अब करने लगा हूं बाकी सेलर की छानबीन। यहां से मैं वो वाले सेलर्स निकालूंगा जिनकी रेटिंग अभी कोई 10-15 की होगी, ये 25 वाला है, इसको ओपन कर लिया। अच्छा उसके बाद आ जाओ ऊपर, ये 26 वाला, बहुत प्राइस गिराई हुई है भाई इसने। काफी सारे लोग ना क्या करते हैं, वो डिस्काउंटेड कार्ड लगा देते हैं ऊपर और बाकी सेलर्स की जो है ना वो बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो इस काम से आपने बचना है। अब यहाँ पे मुझे वालमार्ट का वो सर्च नजर आने लग जाए, ये वालमार्ट के ऊपर यहाँ पे 75 का बिक रहा है, वालमार्ट पे कितने का, ये देख लेते। हंटिंग का जो बेस्ट वे है वो आपको बता रहा हूँ, ये है मिंबर्स मार्क का आइटम है और इसकी जो शेप है एलिगेंट फैमिली, 10 फीट और 2 इन्फ्लेटेबल सीट्स हैं इसमें, मेरे ख्याल से ये वाला है। इसमें थोड़ी सी ना वो वेरिएशन आ रही है और कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। 114 का मिल रहा है यहाँ पे, ये तो खुला ही तजाद है। एनीवेज अच्छा इसके ऊपर आप देख लो 7 FBM सेलर्स हैं और इसको वॉलमार्ट पे सर्च कर लो। ये वाला आइटम हर बार जब भी मैंने लेक्चर दिया ये आइटम निकाला लाजमी है। अच्छा ये आप देख लो, ये कैट फूड है, $41 का बिक रहा है ये यहाँ पर और गोल्ड डब्बे में है ये। ये जो इसका कलर है वो भी आप देख लो, पिंक कलर का है यहाँ पर, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, आगे तक जाकर आपको देखना पड़ेगा ये ना। अगर मैं एक तरीका आपको बताऊं आपको कैसे करना है, तो ये इसको आप ओपन कर लो, यहाँ पर इसकी वेरिएशन अगर नजर आ जाती है तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी 27 का ही बिक रहा होगा, आप इसको देख लो, ये तकरीबन कोई 3 से 4 रोज का ही है, ये 27 का बिक रहा है, तो यहाँ पे 41 का ये वो सेल कर रहा है, कोई $2 से $3 ये बंदा अर्न कर रहा है, ठीक है। ये एक आइटम निकल आई, अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कितने का, 62 का बेच रहा है और यहाँ से यही आइटम 31 का मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, 31 का मिल रहा है और ये 62 का सेल कर रहा है। सिर्फ पिक्चर को देख के अंदाजा लगाया मैंने, बाकी जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, आप टाइम आ गया कि मैं आपको कुछ अपने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाऊं, ठीक है। अब देखो ये 32 का अगर मिल रहा है तो मैं इसके ऊपर एग्जैक्ट प्राइस देख लेता हूँ, बाकी सेलर कितने का सेल कर रहे हैं इसको। ये मेरे ख्याल से ये अच्छा आइटम मिल गया हमें, ये 39 का सेल कर रहा है इस वक्त ना। पता क्या, रात के टाइम जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन हाईफाई होता है, अगर आप दिन के पाकिस्तानी सुबह आप देखो 10 बज रहे हैं तो इस वक्त सारे ड्रॉप शिपर एक्टिव होते हैं, सारे के सारे कंपटीशन में कंपटीशन कर रहे होते हैं, सेल जनरेट कर रहे होते हैं, सेल जनरेट करने के बाद वो फुल कार्ड्स लगाते हैं ऊपर, डिस्काउंटेड कार्ड लगाते हैं और उनमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के साइड पे, ठीक है। सुबह तकरीबन की 4 से 5 या 6 बजे के दरमियान ये वहां हो जाती है, फिर आप अपना टाइम निकालो, फिर आप हंटिंग करो, फिर आपको यहाँ पे कंपटीशन करने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर जो नीचे ये जो लोग सेल कर रहे हैं ना इसको, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो लोग सेल कर रहे हैं इसको 49 वाले, 60 वाले, अभी 60 वाला भी आएगा नीचे, 52 वाला आ गया, ठीक है। सी मोर के ऊपर क्लिक कर लो आप, ठीक है, तकरीबन कोई 55 तक जो है इसकी प्राइस जा रही है। ये देखो बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, ये जिनकी प्राइस यानी कि 55 होती है, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, ये इनको भी टाइम आता है, इनको भी सेल आती है, ऐसा नहीं है कि इनको सेल नहीं आती, सेल सिर्फ टॉप वाले को आती है, ऐसा नहीं है। अमेजोन का, अब मेरे क्लाइंट ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, उसने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो एक आइटम के ऊपर 60 लोग बैठे हैं और तुम्हारे पास सेल आएगी। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, अगर मेरे पास बाय बॉक्स है, अगर मेरे पास रेटिंग अच्छी है, अगर मेरा शिपिंग टाइम अच्छा है, ठीक है, अगर मेरी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, मैं
कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा फंड्स कस्टमर को चार्ज नहीं कर रहा है ऐसे। तो मेरे पास 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 ऑर्डर लाजमी आते हैं अकाउंट्स के ऊपर जिनके ऊपर अब तक मैंने काम किया है। अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में हाई फाई कंपटीशन होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सेल लाजमी आती है। अमेजोन का एल्गोरिथम जो है वो हर सेलर को सेल देता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है 5,000 के करीब रेटिंग लेके, और यहाँ पे इसकी 50 की सेल है, क्या 50 की प्राइस है, क्या इसके पास ऑर्डर नहीं जाते होंगे? जाते होंगे, वो क्यों यहाँ पे मुंह उठा के बैठा है? ठीक है, इसके पास भी सेल जाएगी, जो टॉप पे बैठा उसके पास भी जाएगी, सबके पास सेल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल आए ही ना, ये बात झूठ है। अब मैंने आपको 55 तक दिखा दिया कि जो लोग इसको सेल कर रहे हैं, और ये वॉलमार्ट पे कितने का मिल रहा था आपको, 31 का देख लो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट जो है वो मैंने दिखा दिया। जरा 1 मिनट होल्ड करना, मैं आप लेक्चर जो है तकरीबन एंड करने की तरफ जाऊंगा। अब मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूँ, मैंने जो है एक चीज नहीं बताई आपको स्टार्ट में जानबूझकर मिस की, वो क्या थी, जो लोग छोड़ के चले गए उनके लिए लेक्चर का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग वॉलमार्ट से हंटिंग करोगे, आपको क्या लगता है कि आइटम जब मैंने लगा लिया अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट नजर आया, ठीक है, मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ, भाई ये इस बंदे ने लगाया हुआ 62 का, मैं लगाना चाहता हूँ इसको, आप सपोज कर लो कि 56 का लगाना चाह रहा हूँ। 55 तक तो मैंने खुद प्राइस देखी है, मैं इसको 53 का लगा के देखता हूँ। ठीक है, ये 53 मिसाल के तौर पे, और वॉलमार्ट से मुझे मिलेगा 32 का, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है टोटल $13 का। ठीक है, अगर मैं इसको लगाऊं 44 का भी, तो भी मुझे इसके ऊपर $5 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ अच्छे आइटम्स दिखाता हूँ जो कि आपको 4 से 5, 6 से 7 डॉलर का प्रॉफिट अभी इस वक्त जिनकी प्राइसेस के ऊपर आपको नजर आएगा। सारे नहीं दिखाऊंगा, 4-5 दिखाऊंगा, और ये कोई भी बंदा आपको नहीं दिखाएगा कि अपने सोर्स से। अच्छा अब देखो, इस आइटम को जब मैंने लगाना है, एक मैंने चीज चेक करनी है कि ये इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, इसकी शिपिंग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। 4-5 कोड आपको बताता हूँ, सारे आपने अपने एड्रेस में ऐड करके इसको चेक करना है। ठीक है, अभी मैं चला गया हूँ ऐड टू कार्ट। इतना बड़ा लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर कभी नहीं दिया, ये बस मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा अपनी रिसर्च की बात करूंगा। ठीक है, अब उसको मैंने ऐड टू कार्ट किया है ना, अब मैं कार्ट में आ जाता हूँ सबसे पहले अपने, और यहाँ पर आके मैं एक कोड है न्यूयॉर्क का, कि नहीं है, देखो कह रहा शिपिंग अवेलेबल और 25 जुलाई तक पहुंचेगा ये। ठीक है, एक और बात, आपने ऐसे आइटम लगाने हैं अपने अकाउंट के ऊपर जिनके ऊपर आपको यानी कि अगले 7 से 8 दिन में वो आइटम कस्टमर के घर पहुंच जाएगा। अब आज है 24 तारीख, और वो कह रहा 25 जुलाई को पहुंच जाएगा ये, 25 नहीं तो 28 तक पहुंचे, नो प्रॉब्लम भाई। ठीक है, तो ये वाला जो आइटम है ये मेरे लिए वर्थेबल है, इसको मैं लगा सकता हूँ, और आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर शिप हो रहा है, मुझे कस्टमर की कंप्लेन भी नहीं आएगी, इसके ऊपर ये फायदा मुझे। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू चेकआउट करके देखूंगा। ठीक है, तो एक मिनट मुझे साइन इन करना पड़ेगा, मैं आपको यही चीज दूसरे अकाउंट के ऊपर दिखा देता हूँ जहां पे मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। अच्छा वो आइटम आप सपोज कर लो, यहाँ पर भी वही आइटम है। अब मैं कार्ट में आ गया हूँ, यहाँ पर ना कार्ट में आके आपको 3-4 कोड्स बताता हूँ, वो आपने चेक करने हैं। बिगन चेकआउट के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक राइट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टैक्स देख लेना है, टैक्स आपको कितना पड़ रहा है वो आपने लाजमी ऐड करना है अपनी शीट में। अगर आपका टैक्स एग्जाम्प्ट है तो 0-0 आपको जो है यहाँ पे टैक्स मिलेगा, अगर आपका टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि 1.5 से 2.3 तक हर आइटम के ऊपर आपको देना पड़ता है, एस्टिमेटेड जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी मैं जो है एड्रेस जो है यहाँ पर चेंज करूंगा, कुछ आपको मैं कोड्स बता देता हूँ जो कि आपको माइंड में रखने हैं। वर्जीनिया का कोड आपको माइंड में रखना है, आपको जॉर्जिया का रखना है माइंड में, आपको न्यूयॉर्क का माइंड में रखना है। ठीक है, पोस्टल कोड वो यहाँ पर आपको लगाकर चेक करते रहना है। एक और स्टेट है ओहियो यूएसए में, और एक है एलानोइस। 5 स्टेट्स की मैंने आपको नाम बताए, इनके पोस्टल कोड आप गूगल पे सर्च कर लो, और जब भी आपने हंटिंग करनी है आपने यहाँ पे पीछे वाले पेज पे आके ना, यहाँ पर जहाँ पर आप एड्रेस लगाते हो, पता नहीं इस पेज पे लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, हाँ अगले पेज पे लगाते हैं बिल्कुल। अब ये देखो जो 5% कैशबैक है ना, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो कह रहा है अर्न 5% कैशबैक ऑन वॉलमार्ट ऑन
ईच परचेज, ये बात मैं नहीं कह रहा, वॉलमार्ट आपको लेता है, ठीक है, इसका भी मैंने आपको बता दिया। ये पांच मैंने स्टेट्स आपको बताई हैं, पांचों के कोड्स आप डाल के ना ये एड्रेस के अंदर आप देखो कि शिपिंग अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शिपिंग अवेलेबल, ठीक है, तो शिपिंग ओनली लिखा हुआ आएगा तो समझ लो उस आइटम को आप लगा सकते हो और हैवी से हैवी पैसे जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको इश्यूज आते रहेंगे, आउट ऑफ स्टॉक का आपको इश्यू आता रहेगा, कस्टमर सपोर्ट का, कस्टमर आपको तंग करता रहेगा, ठीक है, ये सारी वो बातें जो कि एडवांस लेवल की है, ठीक है। अच्छा, ये एड अ न्यू एड्रेस, यहाँ पर आके आप पोस्टल कोड डाल सकते हो, ये यहाँ पे स्टेट चेंज कर दो, सिटी चेंज कर दो, पोस्टल कोड डाल दो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात मैंने बतानी थी, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छे आइटम्स, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने ले ही रहा हूँ 5 से 10 मिनट की ब्रेक, तो हम आप लोग जो है स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ आइटम्स में वो ऑलरेडी फाइंड कर रखी हैं, तो देखो कि पहला जो आइटम है ये हम लोग इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको ये सर्च करना है यहाँ पर अमेजोन के मेन पेज के ऊपर आके, ठीक है, ये देखो जब आपको ऑल लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर मैं ऐसे नंबर डालूंगा इसका आइटम का, ये मैंने ऐसे नंबर डाला है और ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया, ठीक है, ये रहा। अभी ये मुझे बता देगा मेरे ऐसे नंबर के दरम्यान में QHU है, तो मैंने एक्सटेंशन जिसमें जो कर रखी है DS कोई क्यू और क्रेबले, ये मुझे यहाँ पे बता देगी एक्सटेंशन, ये देखिए QHU, ठीक है। अब ये मुझे पता यहाँ पे मिल रहा है 44 का। अब मैं इसको सर्च करता हूँ वॉलमार्ट के ऊपर, अभी मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर जो करंट प्राइस है, जो करंट प्राइस अब इस वक्त, ये नहीं कि अब हर 2 मिनट से 5 मिनट के बाद प्राइस चेंज होती है, बात माइंड में रखना, कंपटीशन करना कोई आसान बात नहीं है, अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना भी कोई, ये कोई बच्चों के हाथों का खेल नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर 45 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और करंट इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लेना। अभी ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, 45 सेलर जहाँ पे लिखा हुआ, मेरे हिसाब से इसकी 40.32 अभी करंट प्राइस है। ये देखो यहाँ पर एक ये सेलर बैठा हुआ है, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान फुल टाइम कंपटीशन चल रहा है और फुल टाइम आवाम जो है एक्टिव होके बैठी है, ठीक है, 40 40 फिर उससे ऊपर 40 वाला बैठा हुआ है। अच्छा देखो, अब इसकी अगर करंट प्राइस 40 है, ठीक है, 40.30 लगा लो आप, इसके बाद जो आने वाला होगा 40.30 का सेल करेगा वो, ठीक है। तो मेरे भाई ये देखो, सॉरी, मुझे वॉलमार्ट के ऊपर प्राइस देखनी है इसकी, अभी ये मुझे नजर आ जाएगा, ये आपने टाइटल रीड कर लेना है, 12 कैन है इसमें और 36 बॉल्स हैं और येलो में, ठीक है, ये मिस्टेक ना कर बैठना, बहुत सारी वेरिएशन होती है यहाँ पर, 12 कैन और 36 बॉल्स, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट इनकी जो है ना वो वेरिएशन पड़ी हुई है, ठीक है। अभी 1 मिनट देना मुझे, मैं आपको एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे काफी सारी वेरिएशन नजर आ रही है आपको, अगर आप नीचे तक जाओ तो आपको यहाँ पर कहीं पे कम प्राइस नजर आएगी, कहीं पे ज्यादा आएगी, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे जरा, और ये मैं आपको आइटम एग्जैक्ट निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा ये देखो, ये मैंने एग्जैक्ट वही वाला जो आइटम है वो निकाला है, यहाँ पे 12 कैंस हैं और 36 बॉल है, और यहाँ पर भी आप देख लो, ये पेन न्यूट्रल रबर चैंपियनशिप एक्स्ट्रा ड्यूटी टेनिस बॉल केस, और ये 34.95 का बेच रहा है, ठीक है, ये देखो। अच्छा अब चलते हैं हम लोग दूसरे आइटम की तरफ, अभी यहां से हमें पता लग जाएगा कि यहां पर जो आइटम है उसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। सबसे पहले तो आप इसको मैच करो, X5 आ रहा है, ये वाला आइटम है, ठीक है, यहां पर ये अभी जो करंट प्राइस इसकी चल रही है
मूवी देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो है, तो मैं आपको एक बार मैंने ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक और आइटम है जो कि यहाँ पर आपको ये जितने भी हैं ये 3.2 LB भी है, 3.5 LB में भी है, 7 LB में भी। ये ऐसा आइटम है जो कि इसको हम कहते हैं कि सी आल बाइंग ऑप्शन जिसके ऊपर आपको नजर आए ना, वो सप्रेस लिस्टिंग होती है। और इस लिस्टिंग के ऊपर आपको अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं, और अगर आपको 1 से 2 डॉलर का भी प्रॉफिट हो रहा हो ना तो आप इसको लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये आइटम्स अच्छे होते हैं। अभी देखना मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर 31.93 का, 31.95 का अच्छा खासा इसके ऊपर जो है ना वो कंपटीशन चल रहा है, और सारे नए के नए सेलर हैं। अगर इन सब की मैं छांटी करूँ तो तकरीबन 10 मिनट में 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 आइटम मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि वालमार्ट के ऊपर कौन कौन सा अवेलेबल है। वालमार्ट के ऊपर 3.5 LB वाला भी है, 6 LB वाला भी है, ठीक है, और 3.2 LB वाला भी इसके ऊपर मौजूद है। अच्छा अगर आप देखो कि 6 LB का जो यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पर है तकरीबन 25.48 का, और यहाँ पर 6 LB वाला जो बैग है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कितने का मिलता है, ये एग्जैक्ट प्राइस अभी हमें अभी करंटली अनअवेलेबल है। तो यहाँ पर 25 का मिल रहा है, और अगर यहाँ पर आप 31 का या 32 का सेल करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये आप शीट में डाल के यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि 31 का अगर मैं सेल करता हूँ और मुझे वहां से मिल रहा है 25 का, तो इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट 1.35 का है। क्यों ऐसी आइटम लगाने को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सप्रेस लिस्टिंग है, इसके ऊपर आपके अकाउंट का बाय बॉक्स यस हो सकता है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक ये आइटम था, एक और आइटम है, यहीं पे हम लोग सर्च करेंगे इसको। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप ये वाला भी लगा सकते हो, 6 LB वाला भी, 7 LB वाला भी, और इसके ऊपर आप देखना कि अनक्रीप जो है ना कुछ घंटों के बाद प्राइस इसके ऊपर अप एंड डाउन होगी और प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, ठीक है। अभी जो एक्सट्रीम लेवल है इस वक्त सारे ड्रॉप शिपर एक्टिव बैठे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो आपको कम नजर आएगा, लेकिन जब आप कुछ देर के बाद देखोगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। यहाँ पे 31 का सेल हो रहा है और हम इसको वॉलमार्ट के ऊपर देखते हैं। ये वही आइटम्स है जिनके ऊपर मैंने 44 की प्राइस, 45 की प्राइस के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स दे रखी है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये जो है ये देखो 33 का मिल रहा है, और यहाँ पे 36 का इस वक्त जो कंपटीशन में जो प्राइस चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ये वाला आइटम, ठीक है, सेट ऑफ टू है, यहाँ पर भी सेट ऑफ टू है। बैक ऑफ टू लिखो या सेट ऑफ टू लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको यहाँ पर देखो 54 सेलर इसके ऊपर एक्टिव हैं, और बस उनका काम होता है ऑर्डर्स ले लें और डिस्काउंटेड कार्ड लगाएं और अच्छे खासा जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाले। जितना भी है आपको प्रॉफिट इसके ऊपर नजर आएगा, जो मैंने आपको हंटिंग मेथड जो आपको बताया यही वाला आपको फॉलो करना है, और आप अच्छे खासे आइटम्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव कौन से वाला अभी बैठा हुआ है, लेकिन मैं एंड में आपको जरूर दिखाऊंगा जो मैंने आइटम्स लगा रखे हैं उसके ऊपर। मैंने ये जो 4 आइटम मैंने आपको दिखा लिए इनके ऊपर मैं आपको जो है प्रॉफिट वाली जो प्राइस है वो भी आपको अपने अकाउंट के ऊपर दिखाऊंगा। ये देखो ये 33.99 का सेल कर रहा है ये बंदा, और ये वॉलमार्ट से ही लेके कर रहा है, वॉलमार्ट के ऊपर डिस्काउंट लेस करेगा, डिस्काउंटेड कार्ड लगाएगा और ऑर्डर ले जाएगा, ठीक है। सुबह का टाइम जब आप देखोगे तो अच्छा खासा इसके ऊपर मार्जिन। अब यही आइटम इसमें ये है सेट ऑफ टू, ठीक है, और ये भी देख लो सेट ऑफ टू, इनमें भी कंपटीशन चल रहा है, दोनों की इमेज भी सेम है, ठीक है। अच्छा एनीवेज एक आइटम और दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ कुछ। अच्छा एक और बात, ऐसे आइटम जिनके ऊपर हैवी कंपटीशन हो रहे हैं ना, आप वो वाले आइटम्स तब लगाओ जब आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना हो, और आप उस टाइम में लगाओ दिन के टाइम में पाकिस्तानी, क्योंकि उस वक्त आप अपनी मर्जी की प्राइस लगा के, और ऑर्डर तो कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हो रहा हो, जब बाकी लोग सोए पड़े हो और अकेले आप वहां पर रिसर्च कर रहे हो, तो कैसे नहीं आपको प्रॉफिट आएगा, कैसे आपको सेल नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये है 7F7,
यहाँ पर मुझे ये आइटम देखना है। अच्छा ये रहा वो वाला आइटम, इसके ऊपर भी सेम दो से तीन तरह की वेरिएशन है और सारी की सारी वॉलमार्ट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप देख लो 6.3 का जो पैक है, 6.3 पाउंड का एक पैक जो यहाँ पे मिल रहा है वो मेरे ख्याल से कोई 20-21 का है। ठीक है, एक मिनट, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो ये 19.54 का जो अभी करंट प्राइस है इसके ऊपर वो बता रहा है। ठीक है, 13 पाउंड का जो है वो 27 का है और 3.15 का जो है वो पैक ऑफ फोर जो है वो 35 में बिक रहा है। अभी आपको एग्जैक्ट प्राइस भी मिल जाते हैं 19.54 का। ठीक है, अभी हम इसको वॉलमार्ट के ऊपर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये हमारे पास 6.3 पाउंड का है और यहाँ पर 6.3 पाउंड ये रहा, 11.12 डॉलर का आपको मिल रहा है। तो फाइनली जो है हमें ऐसा आइटम मिल गया है जो कि अभी इस करंट इस सिचुएशन में जिसके ऊपर तकरीबन 3 डॉलर प्लस का प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अगर मैं इसको अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ कितने का, 19.53 का, अभी जो करंट प्राइस है 54 है और मुझे वॉलमार्ट से ही मिल रहा है 11.12 का, इसके ऊपर मुझे 5 डॉलर का करंट अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ये है विदाउट एनी कैश बैक और गिफ्ट कार्ड। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मुझे मिल रहा है। अभी मैं एक और दिखा देता हूँ आपको इसी की वेरिएशन का, मे भी हमें मिल जाए। ये 13 पाउंड का जो है एक इसके ऊपर मिल रहा है 27 का और 13 पाउंड का यहाँ पे मिल रहा है 7 का। एक मिनट अगेन देख लो आप, 13 पाउंड पैक ऑफ वन और यहाँ पर आप देख लो 13 पाउंड पैक ऑफ वन। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर भी, एक मिनट में उसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। अब ये वो वाला आइटम मैंने आपको दिखा दिया है तो यहाँ पे 27 का बिक रहा है और अगर आप इसको लगा देते हो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया आपको ये वाला आइटम ना, अगर आप इसको लगा देते हो 25 का भी। ठीक है, और ये सप्रेस लिस्टिंग है, ऐसा अकाउंट जिसके ऊपर जीरो सेल है, आप इसको अगर लगा देते हो तो इसका बाय बॉक्स 24 आवर्स में येस हो जाएगा और आपके अकाउंट के ऊपर अच्छी खासी सेल आ जाएगी और ये अवेलेबल भी है, इन स्टॉक भी है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ठीक है, 26 का अगर आप लगाते हो इसको, ठीक है, और ये इसका टाइटल आप पढ़ लो अगेन, यहाँ पर 13 पाउंड पैक ऑफ वन, यहाँ पर भी आप देख लो, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी 17.99, वहां पे प्राइस में थोड़ा सा जो है वो अप एंड डाउन आ जाता है। तो यहाँ पे 17.99 अगर हम इसको सेल करते हैं 27.44 का या 27 का सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट है इसके ऊपर हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर इसको सेल करते हैं 27.40 का, हमने टॉप पे रहना है, हमें प्राइस अपनी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वॉलमार्ट के ऊपर ये अवेलेबल है 18 डॉलर में, इसके ऊपर प्रॉफिट आपको मिल जाता है 5.29 डॉलर का, इसके ऊपर भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी हेसिटेशन आप इसको लगाओ। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेल दिखा देता हूँ, जो आइटम्स मैंने लगाए हैं उनके ऊपर मेरे पास कोई अच्छे खासे डॉलर्स में सेल आई हुई है, कोई 4-5 डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट स्टॉप कीजिए। अच्छा ये देखो ये आइटम है यहाँ पे राइट नाउ जो बिक रहा है ये 40, आई थिंक इसकी जो प्राइस थी 40 है, 40.32 राइट नाउ। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर जो ऑर्डर जो किए थे वो दे ये देखो 44 की प्राइस के ऊपर मेरे पास इसके ऊपर ऑर्डर आए हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इस तरह से कोई भी शो नहीं करवाएगा। एनीवेज ये मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर ये ऑर्डर है, नीचे वाला भी आप देख रहे हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद जो है अभी जो मैंने पहले ओपन किया था तो उसमें मैंने जो ये पहले वाला आपको प्रोडक्ट दिखाया था ये वाला, उसमें मैंने ये वाला ओपन कर लिया था। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, मैंने ये वाला आइटम ओपन कर लिया था हालांकि मुझे ये वाला ओपन करना चाहिए था। ये है एक्स्ट्रा ड्यूटी हाई एल्टीट्यूड टेनिस बॉल और ये है एक्स्ट्रा ड्यूटी टेनिस बॉल। ठीक है, इसमें हाई एल्टीट्यूड नहीं है, अगर आप इसका टाइटल देखो और इसका टाइटल देखो, ठीक है, चैंपियनशिप एक्स्ट्रा ड्यूटी, यहाँ पे हाई नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा ड्यूटी टेनिस बॉल। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो सकता है, तो
यहाँ पर देखो टोटल जो टाइटल है ना उसमें तकरीबन 80% दोनों में सेम आपको नजर आएगा, और आप ओपन करके बैठ जाओगे, ऑर्डर आप ले लोगे, जब आप शिफ्ट करोगे कस्टमर ने आपकी बैंड बजा देनी है, मैंने एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड मंगवाई थी आपने एक्स्ट्रा भेज दी, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको कंफ्यूज करेंगे। अब ये मुझे यहाँ से मिल रहा है 27.9 एंड 28 कर लो आप, और मुझे ऑर्डर आया हुआ है 44.10 का, तो ये मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ कि सेम ऐसे ही हंटिंग की जाती है, जब भी आप करते हो सेम यही मेथड है। 44 का मेरे पास, 44.10 का मेरे पास ऑर्डर आया है, मैंने इसको बाय किया 28 का, 28, ठीक है। अब मुझे कितना प्रॉफिट है, सीधा सीधा $9 का इसके ऊपर प्रॉफिट मुझे एक ऑर्डर पे मिला है, ठीक है। तो ये था आज का मोटिवेशनल लेक्चर, ठीक है, कोई भी नहीं बताया गया ऐसे, ये मेरा डायलॉग है भाई। तो एनीवेज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा एक और बात, ठीक है, आपको क्या करना है एक बार मैं रिपीट कर दूं, जब भी आपको आइटम लगाना है आपको चेक कर लेना है कि ये इन स्टॉक है या आउट स्टॉक है, आपको उसकी शिपिंग चेक कर लेनी है, शिपिंग कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ लिस्ट करना मैं आपको बताना चाह रहा था, तो लिस्ट करने के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अच्छा यार देखो, जब आपको आइटम लिस्ट करना है आपको क्या करना है, आपको जस्ट वहां से अपना जो है ना वो कॉपी कर लेना है एसएन नंबर। जब आप एसएन नंबर को कॉपी कर लोगे तो एसएन नंबर कॉपी करने के बाद आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, आप जाओगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, वहां पर आपको सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप इस पेज के ऊपर आओगे, यहाँ पर ना आपको SKU पता कैसे कौन से वाला डालना है, जो आइटम यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये देखो ये आइटम का ये कोड होता है वालमार्ट के ऊपर, आप इसको सर्च कर सकते हो, ये इसका आप SKU डाल दो, जब आपके पास ऑर्डर आए यहाँ से आप SKU कॉपी करो और सीधे जाके वालमार्ट पे सर्च करो, आप आइटम निकाल लो, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है वो करंट क्या प्राइस है आई डोंट नो क्या है, मैं इसको 39 लगा रहा हूँ फॉर नाउ, ठीक है, मैं सेव एंड फिनिश नहीं करूंगा। टेम्पलेट जो है वो आपने बनाया है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैंने माइग्रेटेड टेम्पलेट बनाया था वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस भी आप वही वाली रखो जो आपने वैसे रखी है, ठीक है। क्वांटिटी आप कितनी लगाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, 8 लगा दो, 10 लगा दो, कंडीशन आपको न्यू लगानी है। अब देखो मुझे पता है कि ये आइटम किस डेट को पहुंचेगा, ये कल पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसका हैंडलिंग टाइम दूंगा, मैं इसका हैंडलिंग टाइम लगाऊंगा मेरे भाई, ये देखो मंडे, जब मैं इसका मंडे हैंडलिंग टाइम लगाऊंगा इसको मैं सेव एंड फिनिश कर दूंगा, मेरे पास अगर मैं इसका नहीं भी लगाता है जीरो लगाता हूँ हैंडलिंग टाइम, मुझे पता है कल शिप हो जाएगा तो मेरे पास ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। ये आइटम इतना हॉट है, इतना हॉट सेलिंग आइटम है राइट नाउ, अगर आप इसको लगाते हो बाय बॉक्स भी ऐसा हो जाएगा, आपके पास सेल भी आने लग जाएगी, मेरे पास बेतहाशा ऐसी आइटम है, लेकिन मेरा हक बनता है कि 3-4 आपको दिखा दूं जो कि मैंने आपको दिखा दी, अब आप लोग भी कर सकते हो, नए हो या पुराने हो, अब आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे ड्रॉप शिपिंग नहीं आती, मेरे पास जो गुड़ थे 80% मैंने आपको बता दिया आज के, ठीक है। एनीवेज अब मैं यहाँ से सेव एंड फिनिश करूंगा तो ये आइटम सेव हो जाएगा, 28 का मुझे मिल रहा है, मैं इसको 39 का भी सेल करता हूँ भाई तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो तकरीबन अब लेक्चर जो है पर हाँ, अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स मेरा बहुत एडवांस है, यूट्यूब के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो बेसिक हैं, एडवांस चीजें मैंने कवर की अपने कोर्स के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कल ही मैंने कुछ लेक्चर्स अपडेट किए हैं, कुछ 5 से 6, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, मेरे कोर्स में बहुत एडवांस चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा ये है मेरा एडवांस कोर्स ड्रॉप शिपिंग का, इसमें जो टोटल लेक्चर्स हैं वो आई थिंक कोई 61 है, ठीक है, 61 से 62, ठीक है, और हर वीक मैं इसको अपडेट करता हूँ, इसमें कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग, आपको अकाउंट कैसे बनाना है डिफरेंट रिटेलर से, डिफरेंट वेबसाइट से, ठीक है, इसमें बाय बॉक्स कैसे विन करना है, इसमें अगर आपको शिपिंग चार्ज करनी है कस्टमर को तो उसको पता भी ना चले वो भी इसमें ट्रिक बताई हुई है मैंने, इसमें एडवांस लेवल की जो ट्रिक्स हैं जो कि मुझे आती है वो मैंने इसमें सारी बताई हुई है, जो कि लीगल है, आपको रीसेल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, अभी कल मैंने इसमें जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे करनी है वॉलमार्ट के ऊपर वो भी मैंने मेथड इसमें अपडेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा रीसेल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, नो ऑर्डर कैंसिलेशन आईडी कैसे बनानी है, आपको जो है ट्रैकिंग वो कैसे प्रोवाइड करनी है, नए टूल्स, पहले तो हम ओइजीनियस गेटमो ट्रैक यूज करते थे, उसके बाद नए टूल मैंने यहाँ पे 3 नए बताए हैं, वो आपको वॉलमार्ट से रिफंड कैसे लेना है, आपको अमेजोन से रिफंड कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद आप वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो वॉलमार्ट से कि कस्टमर को पता भी ना चले कि ये आइटम जो है वॉलमार्ट से है,
वो इनवाइस जो है आप छुपा के उसको भेज सकते हो। वालमार्ट आपकी जो इनवाइस है वो कस्टमर को सेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट खराब हो गया, आपको कैसे सही करना है ये 57 से 61 तक कल मैंने लेक्चर अपडेट किए, इसमें इसमें एडवांस लेवल की ये जो लेक्चर अपडेट किए ये यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़े हुए, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर आपको यानी कि कंप्लीट कोर्स नहीं मिलता, कुछ 4 पैसे मैंने भी कमाने हैं भाई, मुझे नॉलेज है तो मैं अपना जो कोर्स है अपडेट करके, अभी मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स लेके आ रहा हूँ, मैं होलसेल एफबीए का, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का, एडसे का, इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 मंथ में इसी जो है इसमें गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा। ये 10K में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कोर्स के लिए। सिर्फ इसमें कोर्स देके ही आपको साइड पे नहीं कर दिया जाता, हर वे ये कोर्स अपडेट होता है, काफी सारे स्कैमर्स आपको 200, 300, 400 रुपये में ये कोर्स दे देंगे, लेकिन उसमें ना वो आपको अपडेट करेंगे ना वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हो तो आपको नहीं बताएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो टोटली इलीगल है, मैंने किसी को परमिशन नहीं दी कि मेरा कोर्स रीसेल करें, मेरा नाम इस्तेमाल करके, ठीक है, वो यूज करें। इसमें आपको सस्पेंशन का कंप्लीट कोर्स मिलता है, ठीक है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया, डीएस पॉलिसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ओडीआर की वजह से, ओसीआर की वजह से, या आपका जो है अकाउंट डुप्लीकेट यानी कि डिटेल्स के ऊपर बंद हो गया, तकरीबन सारा इसमें सस्पेंशन का मैंने कंप्लीट किया है। अभी मैं इसमें 3-4 लेक्चर मजीद अपलोड करूंगा कल शाम तक। उसमें क्या होगा, लिंक अकाउंट में अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा, सेक्शन 3 का एक लेक्चर मैं अपलोड किया हुआ है, एक और टेक्निक मैंने निकाली है जिसमें आपको अपील करके आप उनसे अपनी रूट कॉज पूछ सकते हो, रूट कॉज पूछने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान ऑफ एक्शन बना के सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 3 के इसमें काफी डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है और एक और इसमें मैं अपडेट करूंगा। उसके बाद जो है आपको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं मिलते, इसमें आपको सस्पेंशन के सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकट्ठे 5 मैंने इसमें टेम्पलेट्स रखे हुए हैं। अभी मजीद मैं इसमें 15 से 20 मजीद इसमें टेम्पलेट्स अपडेट करूंगा इसी वीक में, ठीक है। यूज आइटम जब आप लगाते हो आपको वायलेशन आ जाती है, कस्टमर आपको टैकल कर लेता है, कस्टमर की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक मैसेज में आप जो है अपील लिख के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। काफी सारी रीजंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, आपको आने वाले वक्त में जो है अमेजोन जिस जिस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा जिस जिस ईमेल के थ्रू, उस ईमेल के अकॉर्डिंग जो है मैं अपील्स बना के इस वीक में सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हर तरह की अपील आपको मिलती है। सेक्शन 3 की एक मैं अपील आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट अपील नंबर 5, ठीक है। अच्छा ये ओपन हो जाती है, उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं अपने, जो मेरा व्हाट्सएप के ऊपर है, मेरे पास आपका रिकॉर्ड रहता है, आपको कोई मसला आ जाता है आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मेरी जो कम्युनिटी है, ठीक है, जिन्हों जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आपको उनके साथ ऐड कर दिया जाता है, कहीं पे कोई मसला आता है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, अपनी एक कोलेबोरेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, आप मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरी टीम से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है 10K, दिस इज नथिंग, $230 का होने वाला है और ये 155 का था जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसमें मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स डाल दूंगा इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 वीक में, तो ये आपको 20K का मिलेगा, 20K PKR में, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, अपना नाम बता सकते हो कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका पेड कोर्स चाहिए, तो आपको अपने आप जीमेल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, आपका जो जीमेल होगा उसके ऊपर मैं स्ट्राइप की एक्सेस भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेयर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जीमेल लिखूंगा और आपको 1 से 2 मिनट में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी लास्ट टाइम मैंने ओपन किया था तो ये जो लिंक है इससे काफी सारे लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन और वही वाले लोग आगे सेल कर रहे थे इसी लिंक को एक्सेस करके, लेकिन अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी बंदे के झांसे में नहीं आना, आपने जो बंदा ये काम कर रहा है कि सामा फीस का कोर्स ले लो 1000-2000 रुपये में, भाई खुदा का खौफ करो, तुमने भी मरना है और ये सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं रह जाना, ठीक है। तो आप कितने लोगों को दे लोगे, आप एक दिन तो आपने जाना ही है ना इस दुनिया से, आप अपना कंटेंट बनाओ, आप अपना कंटेंट बना के आगे दो लोगों को, तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो अभी ये कोर्स दिस इज नथिंग मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, वहां पर आपको उन लोगों के पास एक्सेस लाजमी होगी जिन्होंने कोर्स लिया होगा, आने वाला जो बंदा है वो डायरेक्ट वहां से पेमेंट करके एक्सेस ले सकता है और लाइफ टाइम एक्सेस है ये, कभी भी इंशाल्लाह रिमूव नहीं होगी। मैं अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको सारा कंटेंट वहीं पे अवेलेबल होगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, अमेजोन का, अमेजोन
ड्रॉप शिपिंग का, अमेजोन होलसेल का, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक हम लोग अपलोड कर देंगे, मेरा अपना कंटेंट होगा, ठीक है। पी एम आने ला अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ये मैं आपको अपील दिखा देता हूँ अभी तक, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा, अपील लिखने का तरीका, अभी मैं कल एक कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ही, कल इंशाल्लाह इसी टाइम होगी, 10 10 ईशा की नमाज के बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेक्शन 3 को कैसे डील करना है, कैसे आपने ओपन करना है, क्या उसका वे है, अपील कैसे लिखनी है आपने, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप जो है, कब से लोग जो अपीलें जिनके पास पड़ी हुई है, सारी अपील को अगर आप चेंज करके अगर आप ओपन करवाते हो अकाउंट, पहली फुर्सत में आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा, इजीली, अगर कॉपी पेस्ट नहीं मारते, ठीक है। 1 2 दिन लगाओ, अपील लिखो, अपना अकाउंट ओपन करवाओ, सेक्शन 3 के अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मेथड वही है जो मैंने बताया, 5 अपील्स को रीड करो, रीड करके मुझे चेक करवा लो एक बार, लिख कर मुझे भेज दो, सर ही आप चेक करें, इसको अप्रूव कर दें, मैं देखूंगा, मैं अप्रूव कर दूंगा, इंशाल्लाह 70 से 80% चांसेस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कौन कोई सी भी वायलेशन है, कोई सी भी आपकी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप अकाउंट, अमेजोन अकाउंट के ऊपर, ठीक है, किसी भी तरह की अपील आपको अप्रूव करवानी है, चेक करवानी है, एक बार मुझे दिखा लेना, मैं अपने पेड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनके पास मेरा कोर्स है, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूंगा, रीड कर लूंगा, मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स अपनी अपील्स में लिखे हुए हैं, मुझे याद है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो मैं बता दूंगा, यहाँ से चेंज करो, उसके बाद अगर आप सबमिट करते हो, 100 में से 90% चांसेस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। पी एम आने अपना बहुत सा ख्याल रखना, आप मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज करके कोर्स या पेड कंसल्टेंसी ले सकते हो। पी एम आने अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा भाई, और जो भी मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है।